नमस्कार, दिन शुक्रवार, इस समय दिन के 4 बजे हैं और मैं डॉक्टर विकास, आप दर्शकों का झारखंड विधानसभा टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर शरण्या चैटर्जी। डॉक्टर शरण्या चैटर्जी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बैक्टीरियोलॉजी एंड इन्फेक्शन में एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और इन्फेक्शियस डिजीज में इनका 9 साल से भी ज्यादा का अनुभव रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम COVID-19 के वैक्सीन के बारे में एक तथ्य परक चर्चा करेंगे। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शरण्या। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह होगा कि COVID-19 के अगेंस्ट अभी कौन कौन से वैक्सीन हैं और क्या इन वैक्सीन को लेने से हमारे ऊपर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है? कोविड के लिए 4 प्रकार के वैक्सीन हैं जो कि अभी पूरे विश्व में बन रहे हैं और मैं एक एक करके सारे वैक्सीन को समझाऊंगी। पहला जो वैक्सीन है कोविड के लिए वो उसे कहते हैं होल वायरस वैक्सीन। होल वायरस यानी कि पूरे वायरस का इस्तेमाल होता है इस वैक्सीन को बनाने में। ये बहुत ही पुरानी और आप कह सकते हैं जो पहली पद्धति थी ये यही थी जिसमें वायरस को, और यहाँ मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी, जब हम कहते हैं वायरस को यूज किया जाता है, लाइव वायरस को नहीं यूज किया जाता है बल्कि हीट किल्ड या एटीनुएटेड कमजोर वायरस को यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। इससे ये होता है कि ये वायरस हमें बीमार नहीं कर सकता है बट हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है उनको ट्रेन कर सकता है ताकि वो जो कोविड है उसके अगेंस्ट प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाए। इसी तरह के वैक्सीन में बहुत बार जो वायरस का जो कवर होता है सिर्फ उसको यूज किया जाता है ना कि होल वायरस को, और इस कवर को हम बॉडी में डालते हैं दूसरे फॉर्मुलेशन के साथ और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अभी जो कोवैक्सीन है जो इंडिया में जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है वो होल वायरस वैक्सीन है जो कि एटीनुएटेड यानी कि कमजोर वायरस को यूज करती है जो कि हमें डिजीज नहीं दे सकता है। इसके अलावा चाइना की जो 2 वैक्सीन है साइनोवैक और साइनोफार्म ये भी इसी पद्धति से बनाई गई है। अब देखते हैं जो दूसरा वैक्सीन है जो कि बहुत कॉमन है अभी, डीएनए या आरएनए वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन होता है इसमें हम वायरस का डीएनए लेते हैं या आरएनए लेते हैं, और हम उसका पूरा डीएनए या आरएनए नहीं लेते, हम उसका एक हिस्सा लेते हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाती है जिससे कि हमारा इन्फेक्शन ये कोविड के स्पाइक प्रोटीन के लिए ट्रेन होगा। तो इस वैक्सीन से हमारे शरीर में स्पाइक प्रोटीन बनेगी और हमारी इम्यून सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, ताकि नेचुरल इन्फेक्शन जब भी हो तो वो लड़ सके इससे, जैसे कि फाइजर की जो वैक्सीन है या जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये सारी आरएनए वैक्सीन है। इसके अलावा जो एक वैक्सीन होती है वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन में जो वेक्टर होता है जो कि वैक्सीन का जो बैकबोन होता है वो कोई दूसरे वायरस से लिया जाता है जो कि बिल्कुल ही इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, जो कि हमारा ऑक्सफर्ड का वैक्सीन है उसमें एडिनोवायरल वेक्टर यूज किया गया है, और इस वेक्टर में एडिनोवायरल वेक्टर में हम कोविड के स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा डालते हैं, सिर्फ एक हिस्सा डालते हैं ना कि लाइव वायरस डालते हैं, और इस फॉर्मुलेशन को यूज करके बहुत सारी और कंपनीज जैसे कि जो रशियन वैक्सीन अभी है, जो स्पुतनिक वैक्सीन आ रही है और जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, ये सब वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। जो चौथा तरह का वैक्सीन होता है वो होता है प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड वैक्सीन। इस वैक्सीन में हम सिर्फ वायरस का जो प्रोटीन होता है जैसे कि स्पाइक प्रोटीन, हम सिर्फ उसको डालते हैं हमारे शरीर में और जो इम्यूनिटी बनेगी वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनेगी। जैसे कि यूएसए में जो नोवावैक्स करके जो वैक्सीन है जो कि अभी इंडिया में भी अप्रूव होने वाली है, ये वैक्सीन प्रोटीन वैक्सीन है। अब सवाल ये उठता है जब हम डीएनए या आरएनए की बात करते हैं, डीएनए आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या कोरोना वायरस का आरएनए या डीएनए हमारे शरीर के डीएनए या आरएनए को बदल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी हालत में कोरोना वायरस वैक्सीन का जो भी डीएनए या आरएनए है वो हमारे शरीर के डीएनए या आरएनए को नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो सेल के अंदर
कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है, और किसी भी हालत में जो भी हम वैक्सीन ले रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो वैक्सीन में जो आरएनए या डीएनए है वो किसी भी तरह से हमारे डीएनए के साथ इंटरैक्ट करेगी या उसे देखेगी ताकि वो उसे बदल पाए। तो इसीलिए जितने भी एमआरएनए या डीएनए वैक्सीन है वो काफी सेफ है और वो किसी भी तरह से हमारे जेनेटिक्स को बदल नहीं सकते हैं। तो शरीर की इम्यूनिटी के बारे में आपने काफी कुछ रोचक चीजें बताई, और ये भी बताया कि जो हम वैक्सीन डेवलप करते हैं उसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत, एक आधारभूत नॉलेज क्या है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक नेचुरल सा प्रश्न दिमाग में आता है कि जो ये वैक्सीन है इसको बनाने में कितना समय लगता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, कोई भी वैक्सीन होता है या कोई भी दवाई होती है, इसको बनाने के लिए बहुत सारा आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, और इसके बाद बहुत सारी रेगुलेटरी प्रोसेस होती है जिन्हें क्रॉस करना पड़ता है जब तक वो क्लिनिक में आए। तो अगर आप एवरेज कहिए तो 10 साल, 10 साल मिनिमम, 10 साल किसी भी दवा या वैक्सीन को आने में लगती है। बट अगर हम कोविड वैक्सीन का टाइमलाइन देखें, दुनिया में कोविड सबसे पहले दिसंबर 2019 में आया, और दिसंबर 2020 यानी कि 1 साल के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पहला वैक्सीन जो कि फाइजर और बायोएनटेक वाला वैक्सीन था उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया। इसके बाद फरवरी 2021 में WHO ने एटलीस्ट और 7 तरह के वैक्सीन को अप्रूव किया। और अगर आप अभी की बात करें, लगभग 80 और वैक्सीन अभी एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो ये कैसे संभव हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि कोविड वैक्सीन कोई शॉर्टकट से आगे आया या क्या हुआ, इसको जानते हैं। देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए पहले तो आपको एक आइडिया को कंसीव करना होगा कि हम ये वैक्सीन को बनाएंगे कैसे। उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च जाता है। कोरोना वायरस, COVID-19, ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। 100 तरह के कोरोना वायरस होते हैं जैसे सार्स, मर्स, और साइंटिस्ट कोरोना वायरस पे रिसर्च पिछले 50 सालों से कर रहे थे। स्पाइक प्रोटीन जो कि अभी बहुत कॉमन है चर्चा में वैक्सीन के लिए, इस पे भी रिसर्च काफी समय से चल रहा था। अगर हम बात करते हैं ऑक्सफर्ड या एस्ट्रेजेनेका वाले वैक्सीन की, ये वैक्सीन जो है इसका जो बैकबोन है, जैसा कि मैंने पहले समझाया, ये एक एडिनोवायरस से लिया हुआ है। तो ये जो वैक्सीन थी ये फ्लू वैक्सीनेशन के लिए पहले से इस्तेमाल की जा रही थी। इसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगाया गया है कोरोना वायरस का। तो जहां हम रिसर्च की बात करते हैं जो कि बहुत साल लगते हैं, कोरोना वायरस क्योंकि ये पिछले 50 साल से आइडेंटिफाई हो चुका था, इस पे बहुत सारा रिसर्च पहले से हुआ था। अब बात करते हैं कि जो रेगुलेशन होता है वैक्सीन को निकालने के लिए, वो कैसे इतना जल्दी हुआ। तो वैक्सीन आने के लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बट जो कोविड रिसर्च था और कोविड के लिए जो ट्रायल्स था उसको प्रायोरिटी दी गई। कुछ महीनों तक जो भी लैब में रिसर्च के लिए साधन लगते थे वो सिर्फ और सिर्फ कोविड रिसर्च को ही दिया जा रहा था। गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है, फंडिंग होती है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए, वो कोविड को ही उसमें प्रायोरिटी दिया गया। अगर आप एमआरएनए टेक्नोलॉजी की बात करें वैक्सीन के लिए, ये टेक्नोलॉजी भी नई नहीं है, ये भी पहले से थी। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो देखी गई इस वैक्सीन के केस में वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच काफी ज्यादा कोलैबोरेशन हुआ। जैसे ऑक्सफोर्ड ने एक वैक्सीन बनाई अपने लैब में, बट उसका जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन था वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लिया जो कि एस्ट्राजेनेका है। यही सेम एग्जांपल आप देख सकते हैं फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के केस में। तो इसीलिए जब ये प्राइवेट और पब्लिक बॉडी साथ में आई तो ये प्रोसेस जल्दी हुआ। और जो तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई नई दवा आती है या कोई नया वैक्सीन आता है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए हमें वॉलेंटियर्स चाहिए होते हैं। वॉलेंटियर्स मतलब जो लोग खुद से आगे आए और बोले कि हाँ हम ये दवा अपने पे ट्रायल करने देंगे। आमतौर अगर किसी ऐसी बीमारी की वैक्सीन या दवा बनाई जाती जो ज्यादा प्रिविलेंट नहीं था तो उसमें जो वॉलंटियर्स की संख्या होती है वो कम होती है। बट क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है
और बहुत सारे लोग आगे आए इस वैक्सीन की टेस्टिंग करने के लिए, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया कि इतने लोगों में ये क्लिनिकल ट्रायल्स जल्दी से जल्दी हुआ। बट यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो सेफ्टी के लिए ट्रायल्स होते हैं, जो कि एफिकेसी के लिए ट्रायल्स होते हैं, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। दोस ट्रायल्स वेर वेरी रिगोरसली डन, और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो सारे ही पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश्ड है, जो कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने उसको रिव्यू किया है, और ये सारे ओपन एक्सेस है, मतलब आप भी इसको देख सकते हैं। तो आई वुड से दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग हिस्टोरिक अचीवमेंट, क्योंकि एक साल में वर्ल्ड ने ये वैक्सीन बना के दे दिया। बट इसके साथ साथ ये कहना भी जरूरी है कि अभी तक जो काम है वो हुआ नहीं है। जब तक पूरे ग्लोब में वैक्सीन का इक्वल एक्सेस नहीं होगा, तब तक हम इस महामारी को हरा नहीं सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, उससे एक बात उभर के सामने आ रही है कि जब पूरी दुनिया के सारे लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट देते हैं, तो बहुत ही कम समय में हम एक बहुत ही उच्च कोटि का वैक्सीन या एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि हमने कोरोना वैक्सीन के केस में देखा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसी क्रम में जैसा कि आपने बताया था कि कोरोना वैक्सीन में कमजोर किया हुआ वायरस रहता है, ये बात जानने के बाद कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये कोरोना वायरस ही है जो कि एक कमजोर फॉर्म में वैक्सीन बन के आ रही है, तो क्या इस वैक्सीन से किसी को कोरोना हो सकता है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ मैं एक और प्रश्न पूछूंगा कि ये जो वैक्सीन है, हम सुनते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करता है, अपना शारीरिक संरचना चेंज करते रहता है, तो क्या ये जो नया वेरिएंट आएगा, जो नई वैरायटी कोरोना वायरस की डेवलप होगी, तो ये जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, क्या ये उस पर भी काम करेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल कि क्या हम कोविड वैक्सीन से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो कोवैक्सीन है, जो बाकी वैक्सीन से, एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन, ये सारे में तो वायरस है ही नहीं, तो उससे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन को में जो वायरस यूज किया गया है उसे इस हद तक एटीन्यूएट किया गया है कि वो, साइंटिफिक शब्दों में कहे तो, वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता है। वो मृत है, मृत समान है, वो किसी भी हालत में अपने वंश की वृद्धि नहीं कर सकता है। तो हमें कोविड वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। बट आप अभी सुनेंगे कि बहुत लोगों को वैक्सीन लेने के बाद कोविड इन्फेक्शन हुआ है, और उनके दिमाग में ये भ्रम बैठ रहा है कि उनको ये इन्फेक्शन वैक्सीन से हुआ है। तो जब वैक्सीन हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो उस वैक्सीन को काम करने में कम से कम 2 हफ्ता, यानी कि 2 वीक्स का समय लगता है। और अगर आप इस 2 वीक्स में अगर आपने लापरवाही की, आपने किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए, तो आपको कोविड हो सकता है, क्योंकि आपने अपने इम्यून सिस्टम को इतना समय नहीं दिया कि वो अपनी इम्यूनिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सके। अब बात करते हैं जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में। ऑलरेडी लैब स्टडीज में ये कंफर्म किया गया है कि ये जो दो वैक्सीन्स है इंडिया में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही नए स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये वैक्सीन्स एक ब्रॉड रेंज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, और कोई भी म्यूटेशन आए या कोई भी नया प्रकार का वायरस आए, ये वैक्सीन को कंप्लीटली इनएफेक्टिव नहीं करेगी। भले ही एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाए, भले ही 90 से 85 हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि उस वैक्सीन की एफिशिएंसी 0 हो जाएगी और वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। देखिए, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, बट वैक्सीन लेने से जो आपके सिम्टम्स होंगे, या तो वो बहुत माइल्ड होंगे या तो दिखेंगे ही नहीं। तो वैक्सीन के साथ साथ हमें ये भी एंश्योर करना है कि हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, ताकि जो हमारी इम्यून सिस्टम है हम उसको स्ट्रांग बनाकर रखें। नाउ फ्रॉम अ साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव, जिस तरह ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, ठीक उसी तरह हम लैब में वैक्सीन को भी ट्वीक कर सकते हैं, ताकि हम जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है हम उसका मॉडिफाइड वर्शन बनाए, और ये जो नए वैक्सीन होंगे ये फिर इस नए स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे। ऐसा जो काम है ये ऑलरेडी इंडिया में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक एक रिसर्च संस्थान है, जहाँ पे
ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी वैक्सीन ट्वीकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि वायरस और जो साइंटिस्ट है जो इन वायरस को पढ़ते हैं, इनके बीच में जो जंग है वो घमासान युद्ध जारी है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको व्यक्त किया, और जो आपने उत्तर दिया उससे दो तीन चीजें, उसमें से दो तीन चीजें मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक चीज ये कि कोविड वैक्सीन से कोविड नहीं होगा, दूसरा जो वैक्सीन है वो जो नए वेरिएंट है उस पे भी इफेक्टिव होंगे, चाहे उसकी इफेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है बट वो इफेक्टिव होगा, और तीसरा जो नए वेरिएंट बन रहे हैं जो डेवलप होने के चांसेस हैं उसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक अपने आप में बहुत ही सुखद समाचार है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और आता है कि जो ये वैक्सीन हम लेते हैं तो उससे ये इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है? जैसा कि हमने देखा कि जो बच्चों को वैक्सीन देते हैं उससे काफी लंबे समय तक इम्यूनिटी बच्चों को मिल जाती है, तो ये जो नया वैक्सीन आया है उसका इम्यूनिटी शरीर में कितने दिन तक रहता है, एक ये, और दूसरा इस वैक्सीन को देने की वजह से क्या जो आरटीपीसीआर का हम टेस्ट करते हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, क्या वैक्सीन देने की वजह से ये पॉजिटिव हो सकता है? ठीक है, आपके पहले सवाल को आंसर करते हैं कि वैक्सीन हमें कितने समय तक इम्यूनिटी दे सकती है। देखिए, ये जो वैक्सीन्स है ये पहले पिछले कुछ महीनों में ही डेवलप की गई है। सो आई वुड से इट्स टू अर्ली टू नो दैट, लाइक कि मंथ वाइज या ईयर वाइज कितने समय तक दे सकती है। आप ये कह सकते हैं कि एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम ये बता सके एग्जैक्टली कि कब तक ये वैक्सीन्स लास्ट करेंगी। जो दूसरी चीज है वो ये है कि पर्सन टू पर्सन, जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो उसी तरह हर इंडिविजुअल का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो भी अलग होता है। तो इस टाइम पे ये कहना मुश्किल है कि हम कब तक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी, और इसके लिए ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें दो शॉट्स के बाद एनुअली कोविड-19 वैक्सीनेशन लेना होगा। बट ये वक्त ही बताएगा इम्यूनिटी जो वैक्सीन से उससे इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब आपका जो दूसरा सवाल था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या कोविड-19 वैक्सीन से हमारा जो कोविड टेस्ट होता है आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट, क्या ये पॉजिटिव आ सकता है? नहीं, कोविड वैक्सीन से कोई भी टेस्ट जो कि एक्टिव डिजीज को मेजर करता है, जो कि एक्टिव डिजीज को टेस्ट करता है, वो पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे कि आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट, ये एक्टिव वायरस को पकड़ता है। लेकिन अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है वैक्सीन लेने के बाद, और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कोविड इन्फेक्शन के वजह से, नेचुरल इन्फेक्शन के वजह से भी बनती है और वैक्सीन के वजह से भी बनती है। तो एक्टिव टेस्ट जो होता है आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी वैक्सीन की वजह से, बट जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है हाँ वो पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए ये सजेशन है कि जब भी आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स हो तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी एक्टिव टेस्ट करवाए, ना कि एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जो कि एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक्टिव इन्फेक्शन में एक्टिव टेस्ट कराया जाए, एंटीबॉडी का टेस्ट इन्फेक्शन का रिफ्लेक्शन नहीं है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर शरण्या, कि पिछले 1.5 सालों से लगभग एक कोविड की महामारी चल रही है, तो लोगों में एक तरह से कोविड फटीग भी आ गया है। कॉन्टिन्यूअस महीनों तक मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बना के रखना, इन सब की वजह से लोगों में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट सी पैदा हो रही है। तो कई लोगों का ये प्रश्न है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया और वैक्सीन इफेक्टिव है तो क्या हम उसके बाद मास्क पहनना छोड़ सकते हैं? जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उससे हम थोड़ा सा उसमें ढील बरत सकते हैं क्या? देखिए, ये प्रश्न का जो आंसर है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं और वहां पे कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो वैक्सीन जो है वो आपको सिर्फ ताकत देगा वायरस से लड़ने की, बट मास्क वायरस को फैलने से रोकता है। वैक्सीनेशन के बाद आपको हो सकता है कि कोरोना ना हो, मेजोरिटी ऑफ लोगों में एसिम्टोमेटिक रहेंगे, बट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है या जिन्हें कोमॉर्बिड इलनेस है और जिनमें ये वैक्सीन इतना कारगर नहीं होगा, उनको बचाने के लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि आप मास्क पहने। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि वैक्सीनेट होने के बाद भी आप इस वायरस को फैला सकते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए कोई देश है जिसमें सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और उसमें ट्रांसमिशन लेवल बहुत ही लो है, जैसे आप अभी इसराइल का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, वहां पे अगर आप मास्क नहीं पहने तो वहां इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉट बीन वैक्सीनेटेड, वहां पे अगर आप वैक्सीनेटेड है तो भी आपको कुछ देर और मास्क पहनना होगा, ताकि जो आपके प्रियजन है जो कि वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है या वैक्सीन लेने के बाद भी जिनको इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके वजह से वो कोविड से बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं, आपको उनके बचाव के लिए आपको मास्क अभी कुछ महीनों तक पहनना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपने जो कहा उसको मैं एक बार फिर से रेखांकित कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि अभी मास्क और सामाजिक दूरी इससे छुटकारा नहीं है। कम से कम जब तक ये कोविड की महामारी खत्म नहीं हो जाती है तब तक तो बिल्कुल नहीं। अब इसी क्रम में आपने जो जिक्र किया इसराइल या कई और देशों का, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बाकी देशों ने कोविड की महामारी को कैसे कंट्रोल में किया या कैसे कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि वैक्सीनेशन तो एक पार्ट है, वैक्सीनेशन के अलावा और क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है जिससे इस पेंडेमिक को हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। जी, तो बाकी देशों में भी भारत के जैसे ही सिमिलर मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क लगाना या फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना, इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगाना। बट जो दो चीजें हैं जिसको मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगी जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पहला एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन को रोकना और दूसरा मास वैक्सीनेशन। तो एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन का अर्थ क्या होता है? एसिम्टोमेटिक मतलब आपको कोविड है बट आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आपको खुद नहीं पता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप उसको फैला रहे हैं। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो मैं उदाहरण दूंगी यूके का, जहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ। यूके का जो एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विस, इसने एक होम टेस्टिंग किट बनाई है और जो पॉलिसी है उसे हम कहते हैं टेस्ट एंड ट्रेस। हर हफ्ते लोगों के घर में ये किट पहुंचाई जाती है और आप हफ्ते में 2 बार, चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो, आप ये टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि क्या आप कोविड पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम इस ट्रांसमिशन को, एसिम्टोमेटिक लोगों के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है, हम उसको तोड़ सकते हैं। दिस मे बी दी बेस्ट अप्रोच, बट इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ऑल्दो इंडिया में भी हाल में आईसीएमआर ने एक ऐसी ही रैपिड टेस्टिंग किट, होम टेस्टिंग किट को अप्रूव किया है, तो इंडिया के लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग खुद को संक्रमित होने का थोड़ा भी संदेह करते हैं, जिन्हें बहुत थोड़े सिम्टम्स है, जैसे कि बॉडी एक है, हल्का भी खांसी है, जुकाम है या फीवर है, वो तुरंत से सर्जिकल मास्क लगाए, सेल्फ आइसोलेशन करे और जल्दी से जल्दी खुद की टेस्टिंग कराए, तभी हम इस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन को रोकना है, और दूसरा बात है जिसके जिसपे कि ये पूरा एपिसोड ही आधारित है, वो है कि जितनी जल्दी हम सब लोगों को वैक्सीनेट करें। जैसे कि मैंने इसराइल का उदाहरण दिया, वहां पे 60% लोग अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। फिर बहुत सारे और देश है जैसे न्यूजीलैंड या चाइना, जहां पे ये महामारी शुरू हुई थी, वहां पे अभी लोग मास्क फ्री घूम रहे हैं क्योंकि वहां पे जो लाइव इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की, उसकी संख्या बहुत कम है और इन कंपैरिजन टू दैट जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो वैक्सीनेशन ही इस महामारी से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वैक्सीन के अलावा क्या रिसर्च हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया में क्या रिसर्च हो रहा है। तो आपने हाल में ये सुना होगा न्यूज में कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, उसने एक ड्रग रिपर्पसिंग करा है। ड्रग रिपर्पसिंग यानी कि जो भी दवा किसी और बीमारी के लिए यूज होती है उसको उसने कोविड के लिए टेस्ट करके देखा है। इस दवा का नाम है 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज या 2-डीजी, और ये ग्लूकोज का एनालॉग है, मतलब ये ग्लूकोज के जैसा है बट ये एक्चुअल ग्लूकोज नहीं है। अब जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये जो वायरस होता है, जब ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, तो ये जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इसे हमारे बॉडी से ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो जब हम ये ड्रग अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो ये वायरस इस
टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज से बाइंड करता है और ये हमारे शरीर के ग्लूकोज से नहीं बाइंड कर पाता है। और जब ये 2DG से बाइंड करता है, ये एक बार चिपकने के बाद इससे हट नहीं पाता है और इसके वजह से ये अपने मल्टीप्लिकेशन को नहीं कर सकता है, तो डिजीज और सीवियर नहीं होगा। तो दिस ड्रग कैन बी अ बिग गेम चेंजर। हालांकि अभी इस ड्रग का जो भी डेटा है और क्लिनिकल ट्रायल्स है वो आना बाकी है, बट दिस कैन बी रियली अ वेरी बिग गेम चेंजर। और ये देखा गया है कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स है उनको ये ड्रग काफी मदद कर रहा है और जो उनका जो डिपेंडेंस है ऑक्सीजन पे वो भी कम हो रहा है इस ड्रग के वजह से। जो दूसरा एक चीज है वैक्सीन के अलावा जो कि अभी बहुत सारी बायोटेक कंपनीज जिस पे रिसर्च कर रही है, वो है नेजल स्प्रेस जो कि कोरोना वायरस को मार सकते हैं, जैसे कि सैनोटाइज जो कि वैंक्यूवर के एक बायोटेक फर्म ने बनाया है। इस स्प्रे में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि आप जब इस स्प्रे को अपने नाक के अंदर लेंगे तो ये वायरस को जो भी आपका अपर एयरवेज होता है, आपका जो नाक होता है, उसी के अंदर मार देगा और इसे लंग्स तक अंदर जाने ही नहीं देगा। ये अभी ऑलरेडी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके अलावा एक और नेजल स्प्रे है जिसका नाम है वायरलीज, और ये ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये 99.9% ऑफ कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 को विद इन 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट के अंदर मार देता है। वायरलीज में एक केमिकल यूज किया गया है जिसका नाम है एस्ट्रोडाइमर सोडियम, जो कि एक एंटीवायरल केमिकल है और ये वायरस को कंप्लीटली मार देता है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार जब ये नेजल स्प्रेज और ये दवाई मार्केट में आएंगी तो जो अभी जो हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है ये काफी बड़ा सपोर्ट होगा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। और जो भी थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं या जो भी फ्यूचर आउटब्रेक्स होगा उसको काफी कम करेगा ये नेजल स्प्रेज और ये जो एक्स्ट्रा ड्रग्स आ रहे हैं। तो सो देयर इज अ लॉट ऑफ होप। बिल्कुल, आपने जो अंतिम उत्तर दिया उसमें काफी सकारात्मकता थी। एक कि वैक्सीनेशन से रियली में फायदा हो रहा है, दूसरा वैक्सीनेशन के अलावा और भी कई सारी स्ट्रेटेजी हैं जो इस महामारी के लड़ने के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं, और तीसरा सहज और सरल तरीके से ऑल्टरनेटिव वैक्सीन भी बनाया जा रहा है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि घबराने की, निराशावादी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैंडेमिक मुश्किल है लेकिन पूरी दुनिया का बेस्ट ऑफ द ब्रेन इसमें लगा हुआ है और दुनिया के सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो जरूर इन सब चीजों को अगर मिला दिया जाए तो जरूर हम इस महामारी को पार पा सकते हैं। डॉक्टर शरण्या, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इतने सुंदर और सहज भाषा में हमारे लिए एक्सप्लेन किया, कई नई जानकारियां मुझे भी मिली, तो मैं समझता हूँ कि दर्शक भी इसको बहुत पसंद करेंगे और उनको भी, उनके भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनके मन में वो आज दूर हुए होंगे। काफी अच्छी परिचर्चा हुई, इसमें शामिल होने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का भी जो इसमें जुड़े और इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। धन्यवाद।